हेलो दोस्तों नमस्ते, स्टडी विद एमके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, इस वीडियो में आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। जी हां दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड ने दो बड़ी भर्तियों के नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिए हैं, तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोनों नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हो, एक नोटिफिकेशन तो यहां पर आपको दिख रहा है, इसके जस्ट बाद एक और आपको मैं दिखाने वाला हूं। इसमें क्या योग्यता रहने वाली है, कौन आवेदन कर सकता है, कब से इसके आवेदन शुरू है, क्या सिलेबस है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। पूरा वीडियो देखोगे तभी जानकारी समझ में आएगी। इसके अलावा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जाकर ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको भेज दूंगा और हमारी एप्लीकेशन पर भी आप जाकर इसको देख सकते हो। चलिए दोस्तों, यहां पर देख लीजिएगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज की डेट के अंदर यहां पर आप चेक कर सकते हो दोस्तों, 6/7/2023 को यहां पर बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके अंदर आप देख सकते हो दोस्तों, लगभग पदों की संख्या है 2058। कितने पदों की संख्या है दोस्तों? 2058 पदों पर यहां पर संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती है, जिसकी डेट ऑलरेडी पहले इन्होंने कैलेंडर में जारी कर दी थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस भर्ती की तरफ। अपन देखते हैं दोस्तों कि इसमें जो है, यहाँ पर आप देखते हो SSO ID के माध्यम से आपको आवेदन करना रहेगा, और यहाँ पर सारी चीजें, आवेदन के लिए योग्यता और परीक्षा कब होगी यहाँ पर ये भी आपको बता रखा है दोस्तों, और क्या कितनी आपको फीस यहाँ पर जमा करवाना है, ये वन टाइम है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर देखो पूरे यहाँ पर पदों का ब्यौरा दे रखा आपका, कि अनुसूचित जाति में कितने हैं, OBC के कितने हैं, विशेष योगदान के, भूतपूर्व सैनिक के, ये सारी चीजें इसमें आपके बता रखी है। अब दोस्तों यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं इस भर्ती का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, तो सीधे अपन सिलेबस पर यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको बाकी की यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन वगैरह भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसका जो सिलेबस है आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है वो भी हम दिखा देते हैं आपको। ठीक है, हाँ, वेतन भी आप देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर वेतन है आपका 13,150 रुपए आपको वेतन यहाँ पर मिलने वाला है प्रोबेशन टाइम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर पात्रता और शिक्षण, यहाँ पर 10वीं पास सही है दोस्तों, यहाँ पर बता रखा है 10th स्टैंडर्ड भी थे। यहाँ पर जो है दोस्तों, आपको जो स्वास्थ्य विभाग है उसके अंतर्गत आपके पास में अगर सर्टिफिकेट है, रजिस्टर्ड है नर्सिंग काउंसिल से, तो आप यहाँ पर जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ठीक है ना, इसके अलावा दोस्तों आगे यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर इसके जो इसमें बता रखा है कि आपको इसके अंतर्गत एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। एज इसमें कितनी यहाँ पर बता रखी है, आयु यहां पर देख सकते हो, आयु सीमा है इसकी दोस्तों 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणी को छूट दे होगी, यानी ये अधिकतम आयु सीमा में छूट है, बाकी जो जनरल के लिए यहां पर देखते हो 40 वर्ष है, 21 से 40 वर्ष। ठीक है, अब इसका जो सिलेबस है वो अपन यहां पर देख लेते हैं कि इसका सिलेबस आपका क्या रहने वाला है और इसके एग्जाम वगैरह सारी चीजें यहाँ पर आप देखते हो। ऑनलाइन आवेदन आपको SSO ID के माध्यम से करना होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर सही नजर नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम से ये आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सिलेबस इसका नीचे दे रखा है यहाँ पर, हाँ ये देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से जो है इसका सिलेबस यहाँ पर बता रखा है कि परीक्षा की जो स्कीम है यहाँ पर रहने वाली है, जिसमें ये महिला स्वास्थ्यकर्ता ANM की भर्ती है दोस्तों। ठीक है ना, ANM। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर देखो, ये आयोजन ऑफलाइन होगा, एग्जाम आपका 1 घंटा 30 मिनट का, यानी 90 मिनट का, 1 घंटा 30 मिनट का समय रहेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र, प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, सभी प्रश्नों के अंक समान है और एक प्रश्न 4 अंक का होगा। कहने का मतलब 100-400 नंबर के प्रश्न होंगे आपके। ठीक है, 400 अंकों के, और 1/4 काटा जाएगा, यानी 1 अंक अगर आप एक प्रश्न गलत करते हो तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब ये पाठ्यक्रम यहाँ पर देख सकते हो, इधर जो आपका ये सिलेबस दे रखा है, पद से संबंधित न्यूनतम प्रोफेशनल योग्यता, जो आपकी प्रोफेशनल योग्यता है दोस्तों उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। यहाँ पर देखते हो 55 नंबर का आपका ये पूछा जाएगा, कितना 55। ठीक है, इसके अलावा जो अपने राजस्थान का ज्ञान है वो भी आपको बताना चाहूंगा मैं। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका जो है इसमें राजस्थान जीके भी इसमें है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो संचालित कार्यक्रम है, 15 यहाँ पर बता रखा है नंबर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखते हो राजस्थान के संबंध में सामान्य ज्ञान, राजस्थान का विकास, भूगोल, इतिहास, परंपरा, विरासत, स्थापत्य कला, महत्वपूर्ण किले, पूरा राजस्थान जीके यहाँ पर आ चुका है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो पॉलिटिकल नहीं है, राजस्थान की पॉलिटी नहीं है इसमें। ठीक है, ये देख सकते हो 5 अंक का है। इसके अलावा कंप्यूटर भी आपका पूछा जाएगा यहाँ पर 5 प्रश्न। ठीक है, करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न और सामान्य चिकित्सा पोषण से संबंधित 15 प्रश्न, कुल मिला के 100 प्रश्न आपके यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से इस वेबसाइट पे जाके भी आप इसको फॉर्म भर सकते हो या देख सकते हो। तो ये अपडेट है। इसके अलावा एक वैकेंसी और है, वो भी आपको दिखाता हूँ अभी, वो भी जस्ट अभी जो है नोटिफिकेशन आया, दोनों के आपको बताना चाहूंगा मैं। ठीक है,
ये देखिएगा, ये है दोस्तों आपके 1588 पदों की, तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों ये जो है आपके 1588 की है, ये भी आज जारी हुई है दोस्तों। और इसमें भी आप देख सकते हो दोस्तों ये अपने जो वैकेंसीज है सेम इसमें प्रोसेस है, तो वही इसमें रहने वाला आपका जो क्राइटेरिया रखा गया है। बाकी यहां पर इसका सिलेबस वगैरह आप चेक कर लेना, टेलीग्राम पे भेज दूंगा दोनों। यहां पर जो है ANM और JNM की ये दोनों वैकेंसियां हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे दोस्तों इसका जो सिलेबस है, हाँ इसमें भी वेतन देख सकते हो, थोड़ा इसमें वेतन ज्यादा बता रखा है, ठीक है ना, उधर आपकी वेतन कम था। इसमें 18,900 रुपए मिलेंगे आपको प्रति माह, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता जीएनएम कोर्स होना चाहिए आपके पास में दोस्तों, और वही रजिस्टर जो है आपके राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से, ठीक है। तो ये जो है दो योग्यता इसमें, बाकी जो एज वगैरह है वही रहने वाली है। इसका सिलेबस भी संभवतः वही है आपका, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सिलेबस वगैरह नीचे, बहुत बड़ी विज्ञापति है ये, थोड़ा खुलने में टाइम लग रहा है, ज्यादा पेज है इसमें। आवेदन आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से ही करना होगा इसमें, ठीक है। ये देखो सेम वही सिलेबस है, इसके अंदर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वही देख सकते हो आप परीक्षा स्कीम और पैटर्न एग्जिट सेम वही है यहां पर, ठीक है। तो देख लिया आपने सारी, अगर कोई डाउट हो आपके तो बता देना दोस्तों, ठीक है। और जो साथी तैयारी करना चाहता है इस वैकेंसी की, तो हमने कोर्स भी लॉन्च कर रखे हैं यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। जैसे आरएस का कोर्स है हमारा 2199 रुपए का, ऐसा ही गया 1999, जलदारी का 999, संगणक का 700 और 1499, पटवारी इसके अलावा दोस्तों 1199। अभी पटवारी का डिस्काउंट कर दिया हमने 1299 रुपए में, ये ऑफर है आपके लिए पटवारी कोर्स के लिए केवल, ठीक है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ऐप डाउनलोड कर लेना, बाकी और इन सबसे संबंधित चीजें मिल जाएगी एप्लीकेशन पर। ये नंबर है यहाँ पर, इस पे आप जाकर संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन कोर्स के साथ में आपको बुक्स और टेस्ट सीरीज भी हम फ्री देंगे, ये भी आपके लिए एक अच्छी खबर है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय।